पहले अग्निवीर को श्रद्धांजलि तो दी गई लेकिन शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो मैंने इसके पीछे के पूरे रीजन बता दिए कि क्यों नहीं दिया गया, क्या रीजन था, तो इनको शहीद का दर्जा मिलेगा या नहीं। इच्छा है कि आपको अग्निवीर योजना के तहत ज्वाइन होना या नहीं होना, अग्निवीर में जाना है या नहीं जाना। जय हिंद साथियों, आज का हमारा वीडियो स्पेशली होने वाला है कि अब क्या किसी को भी अग्निवीर में ज्वाइन होना चाहिए, श्रद्धांजलि है पर सम्मान क्यों नहीं, इसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो कुछ पुराने कमेंट्स भी मेरा जो आपने पिछला वीडियो देखा उसके उपलक्ष में भी है, कुछ बच्चों को अभी भी नॉलेज नहीं है उसके लिए है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि अग्निवीर का मुद्दा एक बार फिर से उठे, फिर से सरकार की नजर में आए और इस पॉलिसी में जो कुछ गलत हो रहा है या जो कुछ गलत रह गया उनके नियमों में कुछ बदलाव होने चाहिए। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है, आप सभी को बता दूं अग्निवीर का अभी पहला बैच है जिसने ज्वाइनिंग की थी। ज्वाइनिंग के 2 महीने में ही हमारे देश के 2 अग्निवीर शहीद होकर घर आ गए हैं, उनका पार्थिव शरीर उनके गांव और घर में पहुंच चुका है अंतिम संस्कार के लिए। तो आप सोचिए अभी पहला बैच है अग्निवीर का, आने वाले समय में अग्निवीरों की संख्या बढ़ती जाएगी फोर्स में और फिर उनका भी बलिदान इस देश की मिट्टी के लिए बढ़ता जाएगा। मेरा उद्देश्य यह है कि एक बार फिर से हमको अग्निवीर के उच्च नियमों पर चर्चा करनी चाहिए। आज मैं आपके सामने अग्निवीर पॉलिसी के कुछ नियम लेके आया हूं, उनमें कुछ बदलाव होने चाहिए, यह मुख्य उद्देश्य है। तो अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं, आप नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करते हैं या उनके माता पिता इस वीडियो को देख रहे, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो मुख्य मुद्दा है उस पर कुछ बात हो सके, ट्विटर पर यह मुद्दा आ सके और हम इसको कुछ ट्रेंड करा के और कुछ नियमों में बदलाव कर सके। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी आप सोचिए कि इन जवानों की पूरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं है, ये अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होकर इस मिट्टी के लिए इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। इन्होंने एक ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान कल ही अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस मिट्टी के लिए और ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। लेकिन कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि सर्वोच्च बलिदान देने के बाद में भी इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, उसके उपलक्ष में कुछ जो बच्चे हैं या कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स भी किए थे कि इनको श्रद्धांजलि दी गई है तो इनको शहीद का दर्जा भी दिया गया होगा। तो मैं आज उन बातों का भी जवाब दूंगा और साथ आपसे मांग करता हूं कि हमारे देश में एक ही सेना में 2 प्रकार के नियम नहीं होने चाहिए शहीदों पर, बाकी सब जगह चल जाएंगे, लेकिन जो इस मिट्टी के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दे, इस मिट्टी के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दे, कि ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, बस सही दिशा में छलांग नहीं है, तो हमको सही दिशा में छलांग लगानी है इस मिट्टी के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि शहीद का दर्जा दे या ना दे। पैरामिलिट्री फोर्स कब से चली आ रही है, आप सभी को पता है कब से सीआरपीएफ का गठन हुआ था, तब से पैरामिलिट्री फोर्स चली आ रही है, उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया, लेकिन वो बल उस बल के जो जवान है वो आज भी इस मिट्टी के लिए, मातृभूमि के लिए, आपने पुलवामा में देखा भी होगा उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिए और कई बार नक्सलियों से लड़ते लड़ते इस मिट्टी के लिए शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार की कोई भावना नहीं है हमारी, ना ही मेरी इस प्रकार की कोई भावना है कि मैं सेना के जो मनोबल है उसके ऊपर कोई बात करूं। इस सेना का मनोबल हमेशा सर्वोच्च रहा है, इन्होंने समय समय पर अपने आप को प्रूव भी किया, जैसे 71 के युद्ध में, कारगिल युद्ध में और 65 के युद्ध में भी भारतीय सेना ने अपने सर्वोच्च बलिदान दिखाया। इसके अलावा भी हमारे देश का जो इतिहास है वो वीर गाथाओं से भरा हुआ है, सिर्फ नाम नमक और निशान के लिए इस देश में बलिदान की कमी नहीं है। लेकिन उद्देश्य यह है मेरा इस वीडियो के तहत कि आप सोचिए इनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी जब उनको कोई बोलता है कि आपका बच्चा तो देश के लिए शहीद हो गया, आर्मी में गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें अभी कई लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, तो उनकी जानकारी भी मैं ताजा करने के लिए ये मुद्दा छेड़ रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों का इसमें साथ मिले। देखिए साथियों, अग्निवीर योजना पर हमको एक बार फिर से चर्चा करनी चाहिए, उसके कुछ नियमों पर हमको फिर से बात करनी चाहिए। अग्निवीर के तहत आप सभी को पता है 4 साल में केवल 30 दिन की छुट्टी रिकमेंड की गई थी, इसके अलावा उनको कोई भी छुट्टी नहीं दी गई। वैसे भारतीय रेगुलर सेना में सिक लीव यानी मेडिकल के लिए 30 दिन की छुट्टी दी जाती है, लेकिन इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन छुट्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, छुट्टी नहीं दी गई कोई बात नहीं, भारतीय सेना को जैसा उचित लगा उन्होंने वो कार्रवाई की। दूसरा, आप सब को पता होगा ये नियमों पे हमको चर्चा जरूर करनी चाहिए एक बार, क्या ये नियम ठीक है, क्योंकि कुछ नियम ठीक है और कुछ नहीं है। आपको जो नियम गलत लगता है आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। के बारे में अग्निवीरों को एक फिक्स सैलरी पैकेज सालाना बढ़ोतरी के साथ मिलेगा जिसमें जोखिम और हार्डशिप भत्ता शामिल है। यानी कि कोई भी अग्निवीर किसी भी हार्ड एरिया में ड्यूटी करता है तो उसको वहां का जोखिम भत्ता भी मिलेगा, और जैसे किसी भी एरिया में ड्यूटी करता है और वहां का अगर कोई अलाउंस है वो भी मिलेगा, और उसका वहां का कोई बीमा है, जैसे भी जेएंडके में कोई भी जवान शहीद हो जाता है तो उसका 50 लाख का वहां का बीमा होता है तो वो भी उसको मिलता है। ठीक है,
ठीक है, ये चीज भी इसमें एड है। यह चर्चा का विषय बना रहा था जब अग्नि ये पॉलिसी लागू हुई थी तब। तो इसमें भारतीय सेना ने उनके फर्स्ट साल की इनकम दिखाई थी कि पहले साल उसको कितना महीना मतलब अप्रोक्स कितना रुपए मिलेगा, उनका कितना रुपए जमा होगा और टोटल कुल प्रकार से किस प्रकार से ये चीजें रहने वाली है, और जब वो सेवानिवृत्ति उनकी होगी तो उनको लगभग 11 लाख रुपए के आसपास रुपए भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग इसके समर्थन में आए, इस योजना को लागू कराना चाहते थे, बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में आए, इसको लागू नहीं कराना चाहते थे। इसमें मैं आज भी आपको बता दूं कुछ तथ्य कि जो भी भारतीय सेना की तैयारी करता युवा वो आज भी इस योजना के विपक्ष में है, जो तैयारी नहीं करते वो इसके पक्ष में है। इसके पीछे क्या रीजन है वो आप सभी भी जानते हैं, क्योंकि भारतीय सेना से जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका एक दिल से अटैचमेंट है, वो चाहते हैं कि हम भारत के सैनिक जीवन भर बने रहे, 4 साल के लिए नहीं। तो जो भी भारतीय सेना में जाने वाले जवान है, अगर आज भी भारतीय सेना वोट कराए या सरकार वोट कराए, तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि 100% वोट आएंगे रेगुलर आर्मी के पक्ष में और 0% वोट आएंगे आर्मी अग्निवीर पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो वो पक्ष आज भी भारतीय सेना में स्थायी तौर पर शामिल होना चाहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पक्ष भी थे, सेना ने भी समय समय इसके बारे में कुछ फायदे बताए, तो हो सकता है इसमें कुछ फायदा भी हो, लेकिन हमको चर्चा करनी चाहिए स्पेशली आर्मी को सरकार अग्निवीर को सरकार के किसी भी भविष्य निधि में योगदान करने की आवश्यकता नहीं है। अग्निवीर के मामले में किसी भी ग्रेच्युटी और किसी भी प्रकार के पेंशन लाभ की कोई पात्रता नहीं होगी। ठीक है, यह है मुख्य डेथ वाला इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटीज, उस समय अग्निवीर को क्या क्या सुविधा दी जाएगी। देखिए अग्निवीर से बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे इससे फायदा क्या है, जैसे इजराइल में देखिए वहां पर हर एक जवान को 18 साल का जो भी हो जाता है उसको सेना में ड्यूटी करना अनिवार्य होता है। इसका फायदा तो युद्ध के समय में होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब ज्यादा लोग ट्रेंड होते हैं तो युद्ध के समय में एक रिजर्व फोर्स मजबूत होती है देश की, वो तो फायदे तो है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि इसकी पॉलिसियों में कुछ बदलाव भी हो, जैसे कि ये वाला डेथ वाला। तो डेथ में जैसे अभी जो जवान शहीद हुआ उसके बारे में, अग्निवीर को भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में उनकी ड्यूटी की अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाए। अगर मान लीजिए किसी भी अग्निवीर की किसी भी प्रकार से वो शहीद हो जाता है तो उसको 48 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। अग्निवीर भारतीय सेना के लिए पेंशन विनियमों नियमों में निहित प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होगा, यानी जो भी अग्निवीर है अगर वो मान के चलिए कि शहीद भी हो जाते हैं तो उनको जो शहीद रेगुलर आर्मी के जो शहीद को जो चीजें दी जाती है वो सारी सुविधा नहीं दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, हमारा बताने का उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग जो अभी जैसे अग्निवीर में कुछ बोल रहे थे, जैसे कि कल एक कमेंट आया था किसी बच्चे ने किया था जब शहीद लक्ष्य को श्रद्धांजलि दे रहे थे तब, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था तो उसका भी मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं। कार हद होती है भड़काने की, सलामी दे रहे लेकिन शहीद का दर्जा नहीं। ये कल मैंने एक वीडियो बनाया था शहीद लक्ष्य पर, तो मैंने ये कहा था कि शहीदों का सम्मान क्यों नहीं, यानी उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं। उसके उपलक्ष में एक बच्चे ने कमेंट किया कि हद होती है भड़काने की भी, सलामी दे रहे हैं लेकिन शहीद का दर्जा नहीं। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हर एक जवान को अग्निवीर योजना से पहले भर्ती हुए या अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। कृपया करके अपनी अकेडमी चलाने के युवाओं को ना भड़काए, अग्निवीर योजना के बाद आपकी अकेडमी बंद हो गई है, अब यूट्यूब पर आकर युवाओं को भड़का। तो पहले तो मैं ये बता देता हूं मेरे लाडले कि श्रद्धांजलि देने से यह प्रूफ नहीं हो जाता कि उनको शहीद का दर्जा मिल रहा है। श्रद्धांजलि तो पीएम मोदी ने पुलवामा जवानों को भी दिया था लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं है। श्रद्धांजलि बीएसएफ के जवानों को भी दी जाती है लेकिन उनको भी शहीद का दर्जा नहीं है। श्रद्धांजलि सीआईएसएफ के जवानों को भी मिलती है, पैरामिलिट्री के हर एक जवान को श्रद्धांजलि दी जाती है। श्रद्धांजलि का शहीद से कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धांजलि दे दी गई इसका मतलब यह नहीं कि शहीद का दर्जा दिया गया। जो अग्निवीर पॉलिसी है उसके नियम पढ़ना, उसके नियमों में यह साफ लिखा हुआ है कि उनको किसी भी प्रकार का जो शहीद को सुविधा दी जाती है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, वो कोई भी उनको पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं दी जाती, जबकि आपको पता है शहीद को क्या क्या दिया जाता है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जब कोई जवान भारतीय सेना में रहते हुए शहीद हो जाता है तो उसको मरणोपरांत क्या क्या प्राप्त होते हैं, उसके परिवार को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है, उनके क्या क्या वेलफेयर होते हैं, वो कुछ भी इनको नहीं दिया जाएगा। यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का नहीं, हमारी एकेडमी चल रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान पूरा जानता है कि हमारी एकेडमी में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले हैं।
मेरे पास सबसे बड़ा बैच हमारी अकेडमी में एसएससी जीडी 2000 अभी जैसे 2320 का है और हर समय ही एसएससी जीडी का रहता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हूं। तो हमारे पास में सबसे ज्यादा बड़ा बैच किसका रहता है? एसएससी जीडी का। तो आर्मी एग्नीवीर से हमारा ज्यादा लेना देना है नहीं, नेवी एयरफोर्स का मैं बैच चलाता नहीं, तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह है कि जिन माता पिताओं के अग्निवीर के रूप में बेटे सपूत सर्वोच्च बलिदान दे के आ रहे हैं, उनको भी शहीदों को जो मिलने वाली सुख सुविधाएं वो सारी मिलनी चाहिए, उनके परिवारों को भी वो वेलफेयर मिलने चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, इसके अलावा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। क्योंकि अभी पहला बैच है, ध्यान रखना, अभी शहीदों का पहला बैच है, इसके बाद में जब अगले बैच ज्वाइन होंगे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। और हमारा उद्देश्य ये है कि देश के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देते हैं और वो भी भारतीय सेना में रहते हुए, तो उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको शहीद की वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक आर्मी के रेगुलर जवान को दी जाती है। ये है हमारा उद्देश्य। हमारा इससे और कोई उद्देश्य नहीं है कि अकेडमी में से बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, इस प्रकार का किसी प्रकार का ना तो कमेंट करें और ना ही सोचें, क्योंकि ये बैच मेरे पास में है ही नहीं, तो मैं इसके लिए क्यों ही आवाज उठाऊंगा। बात सिर्फ इतनी है कि शहीदों के साथ हमारा भी इमोशनल अटैचमेंट है कि इस देश की मिट्टी के लिए, जिनका जैसे मान के चलिए किसी का इकलौता बेटा और मिट्टी के लिए शहीद हो गया और उसको शहीद का दर्जा ही नहीं है, सोचे उस माता पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी। सिर्फ पैसे देने से नहीं होता है, ठीक है, पैसों में अगर कोई सामान बेचता है, अपना शरीर बेचता है, तो बता देना मुझे कि मैं बेचता हूं, तो फिर नेता मंत्रियों के बेटे भी तो वहां होने चाहिए ना, किसी करोड़पति का बेटा भी तो वहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि एक रेगुलर आर्मी में जो शहीद होते हैं उनको क्या क्या सुविधा दी जाती है और इन सुविधा से अग्निवीर शहीद वंचित है। जैसे शहीदों के परिवारजनों को क्या क्या सुविधा मिलती है, देखियो, शहीद की पत्नी को हवाई और रेल यात्रा में किराए में रियायत मिलती है, यानी अगर कोई भी शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी को और साथ में उसकी मां को भी रेल यात्रा में और हवाई यात्रा में किरायों में छूट मिलती है। सैनिक की नौकरी के हिसाब से जमा ग्रेच्युटी फंड छुट्टी का पैसा भी परिवार को मिलता है, ठीक है। आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 10,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। शहीद होने वाले जवान की आखिरी तनख्वाह के बराबर ही उसे पेंशन दी जाती है, लेकिन अग्निवीर को ऐसा नहीं, साफ मना किया उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, लिखा हुआ अभी पढ़ाया था आपको, जबकि इसमें क्या लिखा है देखो कि शहीद होने वाले जवान की आखिरी तनख्वाह के बराबर ही पेंशन, यानी अगर कोई जवान शहीद हो जाता है आर्मी में तो उसकी जो पेमेंट रहती है वही पेमेंट के रूप में उनको पेंशन के रूप में मिलती जाएगी, लेकिन अग्निवीर में सिर्फ वो 4 साल तक ही मिलेगी उनकी पेमेंट, उसके बाद में वो बंद हो जाएगी। मेरा कहना यह है अगर कोई भी अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उनको सिर्फ 4 साल तक ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि आजीवन मिलती रहेगी, समझ गए। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड की तरफ से 30,000 रुपए दिए जाते हैं, और हां ध्यान रखना इनमें अब कुछ बढ़ोतरियां भी हो गई है इन चीजों में, नियमों में, क्योंकि सेना समय समय पर इनमें बदलाव भी करती रहती है। शहीद होने वाले जवान के परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से 10,00,000 रुपए की मदद मिलती है, जो कि अब बढ़ा दी गई है। सरकार एलपीजी गैस की एजेंसी और पेट्रोल पंप में 8% का आरक्षण देती है, किनको? शहीद परिवारों को, ध्यान रखना यह अग्निवीर के शहीद परिवारों को यह कोई सुविधाएं नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा जान दो उस नोटिफिकेशन के बारे में, चर्चा लाओ और एक बार फिर से हमको अग्निवीर के बारे में चर्चा करनी चाहिए। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पर 25,00,000 रुपए परिवार को मिलते हैं, और अगर मान के चलिए वो कौन से एरिया में शहीद होते हैं तो वहां का जो रिस्क अलाउंस है वो भी उनको मिलता है, लेकिन वो अग्निवीर को भी मिलेगा। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में सीटों पर आरक्षण भी रहता है, जैसे MBBS रहना, इनमें 42 सीटें फिक्स है शहीद परिवारों के लिए, समझ गए इन कॉलेज में, लेकिन अग्निवीर शहीदों के लिए ये सुविधा नहीं है। शहीद परिवार की विधवाओं को रेल यात्रा में छूट के लिए कंसेशन कार्ड भी दिया जाता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर दी गई जानकारी के अनुसार शहीद के परिवार के बच्चों को पढ़ाई और इलाज खर्च के लिए छूट देती है, यानी उनको पढ़ाई का पूरा भत्ता दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी पूरी फीस दी जाती है और उनको इलाज के पैसे भी मिलते हैं और मेडिकल सुविधा भी मिलती है, लेकिन अग्निवीरों को सिर्फ 4 साल तक ही मेडिकल सुविधा है, ये जान लेना आप, ठीक है, और उनके परिवार को सिर्फ 4 साल तक ही वो पेमेंट मिलेगी, जो कि एक शहीद को ताज उम्र मिलती है। दी गई जानकारी के अनुसार एक सन में शहीद या मिसिंग सैनिक के बच्चों को पूरी ट्यूशन फीस मिलती है, साथ में स्कूल बस और खर्च और रेलवे पास भी मिलता है। इसके अलावा बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की हॉस्टल फीस हर साल 2,000 रुपए, कॉपी किताब का खर्च 2,000 रुपए तक, यूनिवर्सिटी खर्च कपड़े का 700 रुपए, ECHS में फ्री इलाज मिलता है, इसके लिए ECHS की फ्री मेंबरशिप भी मिलती है,
ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी सुविधाएं किसको मिलती है, जो रेगुलर आर्मी का अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसको मिलती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये सारी की सारी सुविधाएं अग्निवीर शहीदों को भी मिलनी चाहिए। ये बदलाव है जो अभी एक कमेंट किया था ना, उनको बताना चाहता हूं मैं, और कुछ ऐसे ही लोग हैं उनको बताना चाहता हूं कि जो श्रद्धांजलि को ही शहीद मान लेते हैं, श्रद्धांजलि देने से, जैसे कि ये कमेंट किया था कि श्रद्धांजलि देने दे रहे हैं तो इसका मतलब शहीद का दर्जा दे दिया, नहीं, क्योंकि नियम में साफ बताया हुआ है कि अग्निवीर भारतीय सेना के लिए पेंशन विनियमों व नियमों में निहित प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होगा। साथ में यहां लिखा हुआ अग्निवीरों को भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में उनकी ड्यूटी की अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। किस कंडीशन में? इंश्योरेंस, डेथ और डिसेबिलिटी, यानी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो, समझ गए, वो किसी भी कारण से हो, अगर यहां पर कारण स्पष्ट है कि अगर वो युद्ध में लड़ता तो उसको ये मिलता वो मिलता, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सीधा अगर वो किसी भी कंडीशन में अगर किसी भी कोई भी अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको सिर्फ ये मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको शहीद को मिलने वाली कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी, समझ गए। तो इस वीडियो का मकसद यही है, मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में जान सके और आप भी इस बात की पहचान कर सके कि आपको अग्निवीर ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अग्निवीरों के और भी बाकी जो नियम है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि आपको अग्निवीर योजना ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो का मकसद इतना ही था, और आपको कैसा लगा वीडियो इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।